आप सब बहुत समय से एमसीडी को कवर करते आ रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपका कॉरपोरेशन में रहा है। आपने पिछले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भी 10 साल थी, लेकिन क्योंकि मैं 5 साल का आपके सामने खुद लाइव एग्जांपल हूँ, मैं 5 साल की बात कर रही हूँ, आपने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल में एजुकेशन के लिए काम करते हुए देखा है। हमारे पास साउथ एनसीडी में तकरीबन 3 लाख बच्चे थे। आज जब कॉरपोरेशन यूनिफाइड हुई है तो तीनों कॉरपोरेशन के 1534 स्कूलों में एक आइडिया है कि 8 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये 8 लाख बच्चे उन फैमिलीज से आते हैं जो अंडर प्रिविलेज फैमिली हैं और इन फैमिलीज के पेरेंट्स के पास इनके ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं होता। इसी वजह से इनके हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए स्कूल हेल्थ एक डिपार्टमेंट काम करता था जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर होता था, लेकिन स्कूल हेल्थ को अलग से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और अलग से उनके लिए सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। जिस समय मैं मेयर थी, मेरा एक डिस्पेंसरी में विजिट हुआ और मैंने स्कूल हेल्थ के डॉक्टर से पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर जाकर आई टेस्ट करना और दांतों के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, उन बच्चों को डिस्पेंसरी में लाना पड़ता है। तो मैंने अपने बजट से 2 हेल्थ वैन प्रोवाइड की जिसके अंदर पूरा आई चेकअप क्लिनिक और पूरा डेंटल जो भी आपको चाहिए होते इक्विपमेंट्स वो फिटेड 2 गाड़ियाँ उनको दी ताकि बच्चों को फैसिलिटी हो। ये एक एग्जाम्पल है कि बच्चों की हेल्थ को हमने किस तरह से प्रायोरिटी दी है। हर साल एक रूटीन प्रोग्राम होता है जब बच्चों का चेकअप किया जाता है और हमने चुनाव में जाने से पहले भी हेल्थ में इन बच्चों के लिए हमने जो किया है उसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया था। हम स्कूल के बच्चों का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, बच्चों का न्यूट्रिशन का पूरा टेस्ट होता था और जो भी कमी पाई जाती थी उनके अकॉर्डिंग उनको विटामिन या जो भी उनको सप्लीमेंट चाहिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि स्कूल हेल्थ के जो एक अलग से डिपार्टमेंट था उसको जनरल हेल्थ के साथ जोड़ दिया गया है। अब उन सभी को जो हमारी MCW जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया है और कनेक्ट करने के बाद जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको स्कूल्स दिए गए हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर के कैपेसिटी के अंदर या स्किल्स के अंदर कमी होती है। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स जो होते हैं उनके नीचे काम करते थे और अब जो नई व्यवस्था की गई है उसमें स्कूल हेल्थ को ख़त्म करके मर्ज कर दिया गया है जनरल हेल्थ के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो 8 लाख बच्चे हैं उनकी अब हेल्थ की चिंता कौन करेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्पेंसरी है ऑलरेडी 225 के आसपास है वो ओवरलोडेड है और वहाँ स्टाफ की कमी थी। हमें लगता था कि जब दिल्ली सरकार जो बड़े वादे कर रही है तो कोई नया प्रपोजल लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था को और ख़राब कर दिया और स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्कूल हेल्थ को बिल्कुल हाशिए पे पहुंचाकर उसको मर्ज कर दिया गया है। तो आज आपके माध्यम से हम ये चिंता यहाँ पर रखना चाहते हैं कि इन बच्चों के हेल्थ के लिए जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नहीं होंगे, इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगी, इनको विटामिन या जो भी सप्लीमेंट देने का एक रूटीन प्रोग्राम था बहुत इफेक्टेड होगा और आने वाले समय में इन बच्चों को जो न्यूट्रिशन या जो भी कमी थी उसको उभारने के लिए जो प्रोग्राम चलने चाहिए थे वो इफेक्टेड होंगे। धन्यवाद। कमलजीत जी ने आपके समक्ष बात रखी कि दिल्ली नगर निगम में स्कूल हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट समाप्त कर दिया गया है, उसे मर्ज कर दिया गया है और ये कागज गवाह है इस बात का जिसमें लिखा है कमिश्नर एनसीडी वाइड इज ऑर्डर डेटेड 36/2023 हैज अप्रूव्ड इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस विद मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज अंडर प्राइमरी हेल्थ। द एम्प्लॉयज वर्किंग इन अस्टवाई SHS एंड अदर फंक्शनली रिक्वायर्ड स्टाफ आर ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड टू हेल्थ यूनिट्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। ये 30 जून को एक ऑर्डर किया गया था जिससे स्कूल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट अब दिल्ली नगर निगम में समाप्त हो गया है और उसके साथ अब 4 अगस्त को ये ट्रांसफर लिस्ट 3 पेज की निकाल के सारे स्टाफ को ट्रांसफर करके अलग अलग विभागों में अलग अलग डिस्पेंसरियों में हेल्थ डिपार्टमेंट की भेज दिया गया है।
जहां ऐसी स्थिति हो वहां दावे किए जाते हैं बड़ी बड़ी बातों के। हमारे यहां इस दिल्ली में आतिशी जी हैं, एक शिक्षा मंत्री हैं, एक स्वाति मालीवाल जी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक कहीं कोई घटना, अप्रिय घटना हो जाए तो उस पर राजनीति करने में स्वाति मालीवाल जी का कोई सानी नहीं है। मगर इसी दिल्ली नगर निगम में संवैधानिक कानून की अवहेलना कर दी जा रही है। आप सबको जानकारी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सभी बच्चों को काउंसलिंग आवश्यक है। आप में से अनेक पत्रकार दिल्ली नगर निगम बहुत नियमित रूप से कवर करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जानकारी प्राप्त करें कि 1 अप्रैल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1 अप्रैल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों को दी जाने वाली मैंडेटरी काउंसलिंग, जो हमारे दो नेता जो स्वयं पार्षद हैं और इससे पूर्व के सदन में भी पार्षद थे, दोनों महापौर भी रहे हैं, आप इनसे भी व्यक्तिगत जानकारी ले सकते हैं कि साल में 3 बार वो काउंसलिंग बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनके माँ बाप भी उनको वो बातें नहीं समझाने की, मजदूर टाइप के परिवारों से आते हैं जिनको वो बातें नहीं समझा पाते थे, वो बातें बच्चों को समझाने के लिए, गुड टच बैड टच ऐसी बातें समझाने के लिए काउंसलिंग सेशन दिए जाते थे। केजरीवाल सरकार आई तो बड़े बड़े वादों के साथ थी, सबसे पहले बच्चों को ही डिप्राइव कर रही है बेसिक चीजों से, वो काउंसलिंग भी दिल्ली नगर निगम में बंद कर दी गई है। ऐसी स्थिति में हमारा और बोलने का कोई बहुत महत्व नहीं है। आप लोग अगर इन सवालों का जवाब शैली ओबराय जी से मांगे, आतिशी जी से मांगे, स्वाति मालीवाल जी से मांगे कि आखिर क्यों पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी काउंसलिंग बंद कर दी गई है,